सर्वशक्तिमान विष्णु के वामन अवतार का संहारक वमासुर। इस संसार में मेरा सामना कोई नहीं कर सकता, इसलिए मैं बनूंगा इस संसार का अधिपति और मेरे मार्ग में जो भी आएगा उसका मैं सर्वनाश कर दूंगा। भगवान कंस के रहते संसार का अधिपति बनने का दिवस स्वप्न देख रहा है। उसने वामन अवतार का उद्धार किया था, इसका उद्धार मैं करूंगा। वामनासुर, मदी भ्रष्ट हो गई है तेरी। मेरे समक्ष तूने मेरे असुरों को क्यों मारा? भगवान कंस, अभी तो केवल मैंने तुम्हारे असुरों को मारा है, अब तुम्हारी बारी है, क्योंकि मुझे बनना है इस संसार का अधिपति और तुम्हें मारे बिना यह संभव नहीं है। गुरु शुक्राचार्य के नेत्र में रहकर तूने भ्रम पाल लिया है संसार का अधिपति होने का। भ्रम मुझे नहीं तुझे है कंस। मैं विष्णु के वामन अवतार का अंत कर चुका हूँ और अब तुम्हारा अंत करूंगा। इसके बाद इस संसार का अधिपति होगा वामनासुर। यदि उस वामन अवतार की हत्या करने में तूने मेरी सहायता न की होती तो मैं तुझे कब का उसके पास पहुंचा चुका होता वामनासुर, और तेरी भस्म उसके समीप पड़ी होती। लगता है भगवान कंस तुम ये भूल चुके हो कि मेरे भीतर दो युगों की शक्ति है, और अगर मैं विष्णु के अवतार को मार सकता हूँ तो उसके सम्मुख तुम क्या हो? नारायण नारायण माते, ये वामनासुर तो स्वयं एक असुर है, किंतु मैं ये देखकर चकित हूं कि आज ये पापी कंस का शत्रु किस प्रकार बन गया। देव ऋषि, अधर्म और असुर किसी के नहीं होते हैं। वे अंत में केवल अपनी शक्ति, अपने पराक्रम और अपने अधिपत के लिए लड़ते हैं, और अब वही वामनासुर भी कर रहा है। भगवान, ये वामनासुर तो बोल शक्तियों को प्रयोग कर रहा है, यानी वामन अवतारे मारने के लिए करी थी। भगवान सोचो, जो शक्तियों को सारे देवता मिलके नहीं रोक पाए, समझ रहे ना आप? भगवान देवताओं को पराजित करके तू समझता है कि तू सर्वशक्तिमान हो गया? अभी करता हूं तेरा अहंकार दूर। मेरा अंतिम समय आ गया वामनासुर। ठहरो बुद्ध, समय के खेल को समझो। विष्णु के दो दो अवतार नष्ट हुए हैं, वो शांत बैठने वाला नहीं है। इस संसार को बचाने के लिए वो कुछ न कुछ अवश्य कर रहा होगा, इसीलिए ये समय आपस में लड़ने का नहीं है। उसने मेरे सम्मुख मेरे असुरों को मारा है मां, विद्रोह किया है भगवान कंस से, और शत्रुओं से पूर्व विद्रोहियों का अंत आवश्यक होता है। किंतु पुत्र, इस समय ये वामनासुर तुम्हारे किसी भी शस्त्र से नष्ट नहीं होने वाला। और भगवान, यदि आपने यह वामनासुर मार भी दियो तो लावा के बादल का क्या करोगे? ये तो गिरेगो और सारी मथुरा नगरी समापन। छोटे बड़ी बात भगवान, यदि मथुरा नगरी ही नहीं रही तो आप अधिपति किसके बनोगे? हाँ पुत्र, इस समय मथुरा को इस वामनासुर की अग्नि से बचाने की आवश्यकता है।
गुरुदेव, अब मैं जीवित नहीं रह सकती। मेरे जीने का कारण था मेरा लल्ला। मैं मेरे लल्ला के बिना जीवित नहीं रह पाऊंगी। यदि मेरे जीवन का सबसे बड़ा आधार मेरा प्रेम, मेरे वात्सल्य का प्रतीक अगर उसी का अंत हो जाए तो मैं कैसे जीवित रहूं? मैं नहीं रह पाऊंगी गुरुदेव, मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी। महारानी, मैं आपका दुख समझ सकता हूँ। संपूर्ण सृष्टि इस समय इसी प्रकार विलाप कर रही है, किंतु ये विलाप का समय नहीं है, अपितु एक स्त्री के मातृ शक्ति को जागृत करने का समय है। उस अद्वितीय अद्भुत शक्ति को जागृत करने का समय है जिसका सामना इस संसार में कोई शक्ति नहीं कर सकती। महारानी, आपको अपने पुत्र को पुनः जन्म देना होगा, अपने मातृत्व प्रेम से वामन रूपी काना को पुनर्जीवित करना होगा। परंतु गुरुदेव, ये होगा कैसे? उसी प्रकार जिस प्रकार माता पार्वती ने भगवान श्री गणेश को निर्मित किया था, उसी प्रकार आज आपको इस वामन अवतार को पुनर्जीवित करना होगा। नारायण नारायण। माते, ऋषिवर गर्गाचार्य क्या कह रहे हैं? ये कैसे संभव होगा माते? देवऋषि, माता आदि शक्ति ने ही संसार को जन्म दिया है। ये संसार उन्हीं से चलायमान है। इस संसार के प्रत्येक प्राणी में उनका वास है। आदि शक्ति ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र की जननी है। उनकी ममता मिट्टी में भी प्राण डाल सकती है। आज माता देवकी को भी यही करना है देवऋषि। नारायण नारायण। हे माता आदि शक्ति, आपको कोटि कोटि नमन। ठीक है गुरुदेव, जिस अभागन माँ ने अपने पुत्र का मुख कभी नहीं देखा, जो वर्षों से अपने मातृत्व को सींच रही है, आज उसी मातृत्व से वो अपने पुत्र को पुनः स्वरूप देगी।
पुत्र, ये क्या किया तुमने? एक ब्राह्मण को बिना भिक्षा लिए अपने द्वार से जाने दिया? असुरों को बामनों की चिंता कब से होने लगी मां? पुत्र, देवता हो या दानव, सृष्टि का नियम है, यदि ब्राह्मण द्वार से बिना भिक्षा लिए गया तो कुछ न कुछ अनर्थ अवश्य होता है। और ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, अपितु विष्णु का रूप है। यही तो समस्या है मां, कि वो कोई साधारण वामन नहीं है, उस विष्णु का रूप है, मायावी है, चलिया है, और उसका उद्देश्य है अपनी माया में हमें भ्रमित करना। ये इनके इन प्रकारेण वामन शक्ति को प्राप्त करना चाहता है हमसे। पुत्र, यथार्थ को समझने का प्रयास करो। तुम वामन शक्ति वापस कर उस ब्राह्मण को भिक्षा भी दे दोगे और वामनासुर के कोप भाजन बनने से भी बच जाओगे। अरे माँ, तुमने मुझसे पूछा था ना कि वामनासुर से बचने का क्या मार्ग है, तो उससे बचने का यही एक अंतिम मार्ग है। दानव माता तनु, आज आप असुरों की माता नहीं देवताओं की माता की बहन लग रही हैं। उचित, मैं आपकी आज्ञा का सम्मान अवश्य करूंगा। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा 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 मत कर जो भगवान। वो बामन है, यदि आपने बामन शक्ति वापस कर दी तो वो विष्णु सोचेगा आपने बाके आगे घुटने टेक दिए। ऐसा मत कर जो ना भद्राक्ष, दान देने वाला कभी पराजित नहीं होता, अभी तो दान देने वाला विजयी होता है। आज संसार महाराज बलि को उनके दान के लिए अब भी स्मरण करता है। उसी प्रकार ये संसार भगवान कंस को सदैव स्मरण रखेगा कि भगवान कंस ने एक वामन को वामन शक्ति दान में दे दी। हे वामन, मैं तुझे वामन शक्ति दान देने को तैयार हूं, पर इसके बदले तुझे वामनासुर का अंत करना होगा। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कंस कि मैं शस्त्र नहीं शास्त्र उठाता हूँ, किंतु तुम एक ब्राह्मण को भिक्षा दे रहे हो तो तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी, ये मेरा वचन है तुमसे कंस। चल मेरे साथ। वामन शक्ति, आपके पुनः वामन लोक जाने का समय आ गया है। कंस, मैं तुम्हारे इस दान को स्वीकार करता हूँ। इतना दुर्व्यवहार कैसे किया हम लोगों ने अपने ही माता पिता के साथ? दाव, हमने तो सब कुछ आपके कहने पर किया है। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मुझे तो सोच सोच कर ही लहजा आ रही है। पता नहीं मैं कैसे सामना करूंगा काका काकी का। दाव, खाना कहता था कि यदि कोई भूल हो जाए तो उसका एकमात्र प्रयाश्चित है क्षमा मानना। सखा, तुम सत्य कह रहे हो, तब हमें चलना चाहिए अपने अपने माता पिता से क्षमा मांगने के लिए। चलो सब। काका काकी, काका काकी।
काकी जी क्षमा कर दीजिए। नहीं बलराम, तुम्हारे मुख से ये मीठे शब्द सुनकर मैं तुम्हें बता नहीं सकती मुझे कितना अच्छा लग रहा है। काकी से बना है और वनस्पतियों से बना है ये हरा रंग। काना अब इन रंगों का परीक्षण करके बताओ कैसे बने हैं। सोम, रंगों का परीक्षण तो तभी हो सकता है ना जब वो किसी को लगाए जाए। सका काना, किंतु ये रंग हम लगाएंगे किसे? ग्वाले, ओ ग्वाले। सकाओ, रंगों के परीक्षण के लिए कॉफी से चार कौन हो सकता है? सखाओ, तुम सब शीघ्र छुप जाओ, मैं उस पे रंगों का परीक्षण करता हूँ। वो इसी ओर आ रही है ना, चुप 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 चुप। वाले, ओ वाले। वाले, हम तुम्हें पूरे गांव में ढूंढ रहे हैं और तुम यहाँ हो। होली सूखी सूखी मनानी है, उसकी तैयारी नहीं करनी? गोपी, होली की तैयारी ही तो कर रहा हूँ, पर हमें तो कोई तैयारी नहीं दिख रही। गोपी, बस तुम आंखें बंद करो और तुम्हें होली की सारी तैयारी दिख जाएगी। ग्वाले, किंतु हम अपनी आंखें बंद कर लेंगे तो देखेंगे कैसे? गोपी, यही तो मेरे होली की विशेषता है, तुम बस अपनी आंखें बंद कर लो। वैसे तो हम किसी के सुनते नहीं, किंतु हमारे अतिरिक्त तुम्हें कोई सुनने वाला भी तो नहीं है, इसलिए हम तुम्हारी बात मान लेते हैं। कहाँ जा रहे हैं? अपनी स्वामी भक्ति के कारण इतने वर्षों से जो इस कारागार की यातना भुगत रहा है उस वसुदेव के उस परम भक्त क्रूर को यहाँ से निकालने का समय आ गया है। चाहे बाहर निकाल भी कि क्या हो सकता है? अरे पढ़े रहने दो, क्या कुछ जीवन भर कारागार में भूल गया भद्राक्ष? ये अक्रूर केवल वसुदेव और महेशमती का विश्वास पात्र नहीं है, अभी तो नंद और वृंदावन वासी भी इस पर विश्वास करते हैं। ये मथुरा और महेशपति की सबसे महत्वपूर्ण कूटनीतिक कड़ी है, जो कार्य ये कर सकता है कोई नहीं, इसलिए अनावश्यक प्रश्न नहीं। खोल। ये कह रहे हैं भगवान, फिर तो उचित समय, चाहे बाहर निकाल देखो कूटनीति क्या। अक्रूर, भगवान कंस, मैं यहां तुम्हें कोई दंड देने नहीं आया अक्रूर, तुम्हें मुक्ति देने आया हूं, तुम्हारी सभी चिंताओं को समाप्त करने आया हूं। अब आप क्या चाहते हैं मुझसे महाराज? भगवान, भगवान तो भक्तों का भला चाहते हैं। वैसे तुमने जो विश्वासघात किया था उसका दंड मृत्यु दंड होना चाहिए था, किंतु तुम मरते कहाँ हो, मरकर पुनर्जीवित हो गए, अब तो नए रूप में भी आ इसलिए मुझे ये निर्णय लेना पड़ा कि अब मैं तुम्हें दंड नहीं दूंगा, आशीर्वाद दूंगा। वैसे
कैसी दशा बना रखी है अक्रूर? लो खाओ और जाओ यहां से, खाओ जाओ स्वतंत्र। सका सका मिलकर बोलो होली है, मैं भी बोलू होली है, वे भी बोले होली है, पूरा ना मानो होली है। तो सका तुम लोगों ने सोच लिया कि क्या करना है होली का दहन में? हाँ सुन, हमने सारी योजना बना ली है, गौशाला में गईयों की जितनी भी घास है सब होलिका में जलाएंगे, और सुन घरों के भीतर जितनी भी मतनी और लकड़ी है वो सब होलिका में जला देंगे। और सुन हम जखा ने कुछ लकड़ी इकट्ठा भी कर ली है, इस बार ढेर सारी लकड़ियाँ जलाएंगे, ऐसी होली बनाएंगे कि आनंद आ जाएगा। सका ये तुम क्या कह रहे हो? काना हम लोग होलिका जलाने की तैयारी कर रहे हैं। किंतु तुम तो सब आवश्यक और उपयोगी वस्तुओं को जलाने की बात कर रहे हो, यदि तुम इन सब वस्तुओं को जलाओगे तो हमारे वृंदावन वासियों को बहुत हानि पहुंचेगी। परंतु काना यदि हम कुछ जलाएंगे नहीं तो होलिका का आनंद कैसे आएगा? सिखाओ हमें होली में ऐसी वस्तुएं चलानी चाहिए जिनकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है, जिसे पूर्ण रूप से नष्ट करना हो ये घर की लकड़ियाँ और घर की मतनिया जलाना उचित नहीं है सिखाओ। अच्छा काना तुम हमें बड़ा ज्ञान बांट रहे हो, पिछली बार जब तुमने राम बनाई थी तब तो सभी आवश्यक वस्तुओं का प्रयोग किया था, और मैं होली में वही वस्तु जलाने को कह रहा हूँ और तुम हमें मना कर रहे हो। नहीं सोम वैसी बात नहीं है, उस समय हमारे पास कोई मार्ग नहीं था, उस समय जीवन मरण की स्थिति थी और होली तो उत्सव है, दोनों ही भिन्न भिन्न परिस्थितियाँ हैं जिसमें दूसरों को हानि ना पहुँचे, केवल आनंद ही आनंद हो, केवल वही सच्चा उत्सव है। मैं समझ गया काना, यदि हम गौशाला का चारा जलाएंगे तो गैया क्या खाएंगी? यदि मथनी जला देंगे तो मक्खन कैसे खाएंगे? सत्य कहा तुमने सका, अब तुम भी समझ गए ना कि हमें क्या करना है। हाँ काना, अब हम होलिका में ऐसे वस्तु जलाएंगे जो किसी के काम में ना। महाराज क्या कान्हा हमारे राजकुमार है, और क्या ये बात कंस को ज्ञात है? हाँ क्रूर जी, कंस को ये सत्य स्वयं मैंने ही बताया था, किंतु अब कंस के पापों का घड़ा भर चुका है, अब समय आ गया है कि हमारा आठवां पुत्र कंस का अंत करे। महारानी कान्हा तो अभी बहुत छोटे हैं, इससे उनका जीवन संकट में पड़ सकता है। अक्रूर जी, जिसका जन्म इस संसार की रक्षा करने के लिए हुआ हो उसकी सुरक्षा की हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। महाराज तो मेरे लिए क्या आज्ञा है? महाराज चंपात, तुम्हारे भूतपूर्व के महाराज नहीं बताएंगे तुम्हारे लिए क्या आज्ञा है, ये तुम्हारे वर्तमान के महाराज कंस बताएंगे। पत्राक्ष। तुम्हें तो भगवान कंस ने यहाँ पे भरत मिलाप के लिए भेजे थे, है? तुम तो पूरी की पूरी रामायण सुनाने लग गए। अब चलो, भगवान कंस तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अक्रूर जी मेरे पुत्र से कहिएगा कि उसकी मैया वर्षों से उसकी प्रतीक्षा कर रही है, और उसकी प्रतीक्षा तभी पूर्ण होगी जब वो मथुरा आकर कंस का अंत करेगा। अक्रूर जी, ये कोई साधारण होली का दहन नहीं है, अभी तू हमारे वृंदावन में जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ थी वे सब
इसमें जलकर भस्म हो जाएंगी और होली की अग्नि इन्हें जलाएगी। इसलिए आओ, हम सबको होलिका माता को प्रणाम करना है। काना, ये तुम क्या कह रहे हो? ये होलिका हमारी माता कैसे हो सकती है? ये तो असुरी थी।